अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर जो आम डेवलपमेंट आज शहर में होती रही। अमन मश्क में 50 ममालिक की शिरकत, JF-17 और ATR तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। पाकिस्तान की सरबराही में कराची के खुले समंदर में होने वाली अमन मश्क में 50 ममालिक ने शिरकत की। अमन मश्क 2023 के सी फेज में मुल्की और गैर मुल्की बैरी जंगी जहाजों ने खुले समंदर में मशकें की। पाक बैरिया ने बैरी कजाकों के खिलाफ ऑपरेशन की मशकें भी की। अमन मश्क में इंडोनेशिया, अमेरिका, इटली, श्रीलंका और मलेशिया के जहाजों और मिसाइल बूट्स ने हिस्सा लिया। जबकि आपको यह भी बताएंगे कि मुर्गी की कीमत 700 रुपए किलो हो गई है। गैर यकीनी मौशी सूरत हाल में सार्फीन को महंगाई के झटके लगने का सिलसिला भी जारी है। जिंदा मुर्गी की कीमत भी 30 से 40 रुपए के इजाफे के बाद 480 रुपए से 500 रुपए फी किलो हो चुकी है। इस माह के अवाइल में जिंदा मुर्गी 390 से 440 रुपए किलो में दस्तियाब थी। सोयाबीन के बगैर बनाई जाने वाली फीड भी महंगी होती नजर आ रही है। सिंध पोल्ट्री होल सेलर्स एसोसिएशन का मौका भी सामने आया, जबकि 50 किलो पोल्ट्री फीड का थैला गुज़िश्ता माह 6000 रुपए का था, जो अब 7200 रुपए का मिल रहा है। यह भी स्टेटमेंट सामने आया। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे, अच्छी खबर है, कराची में 20 फरवरी को पिंक बस सर्विस के मजीद 2 रूट्स का आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तला'आत, वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने आज प्रेस ब्रीफिंग दी है। पिंक बस सर्विस रूट जो है वो 2 रूट्स बताए गए हैं। पावर चरंगी नॉर्थ कराची से इंडस हॉस्पिटल करंगी पर चलाई जाएगी, जबकि इसी तरह रूट नंबर 10 पर नुमाइश चरंगी से क्लॉक टावर सी व्यू तक भी पिंक बस चलाई जाएगी। 17 फरवरी से सखर और 18 फरवरी से हैदराबाद के आवाम के लिए पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज होगा, जबकि पिंक बस सर्विस के मौजूदा रूट 1 पर बसेज में इजाफा भी किया जाएगा। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि इंतजार की जो घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला सज चुका है। PSL की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के हमरा पाक फौज भी फराइज अंजाम देने में आगे है। सिंध पुलिस के 7500 से जायद अहलकार और 1000 स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडो सिक्योरिटी फराइज सरंजाम देंगे, जबकि कोशिश होगी कि सिक्योरिटी से शहरियों को जहमत कम से कम हो, यह कहना था DIG सिक्योरिटी एंड सर्विसेज मकसूद अहमद मेमन का। खबर का आगाज करेंगे और पहली खबर से आगाज करते हैं। जी नाज़रीन, अमन मश्क 2023 के हवाले से बात कर लेते हैं और इन मशकों के हवाले से कौन कौन सी मशकें जो है वो समंदर के अंदर होती नज़र आ रही हैं। 50 ममालिक जिन्होंने हिस्सा लिया है, पार्ट लिया है, यहाँ पर मौजूद हैं अपने बहरी बेड़ों के साथ और मशकें करते नज़र आ रहे हैं। उसी हवाले से हवाल जानेंगे कि इस वक्त क्या जो है वो हो चुका है इन मशकों के अंदर, इस ये जो अमन मश्क है, और साथ साथ उन चीज़ों पर बात की जाएगी जो स्ट्रेटजीज या जो वेपन्स हैं या जो इस वक्त बहरी बेड़े हैं यहाँ पर इस एग्जीबिशन के अंदर शामिल किए गए। हमारे साथ इस वक्त रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है हुदा शेख। हुदा, सबसे पहले जानना चाहूंगा, आगाज पहले दिन से जो हुआ है उसमें 50 ममालिक के बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने हिस्सा लिया है, फिर मुल्की और गैर मुल्की जो बहरी जंगी जहाज हैं वो खुले समंदरों के अंदर भी मुजाहरा करते नजर आए कल के 2 रोज, जरा बताइएगा अहवाल कि क्या होता रहा है इस एग्जीबिशन के अंदर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि ये पाकिस्तान नेवी की अमन सीरीज की 8वीं मशक है, जो कि 10 से 14 फरवरी तक जो है वो कराची में जारी रहेगी। मैं आपको ये भी बताती रहूं कि बता चलूं कि कल जो है वो इसका आखिरी रोज, जो अमन मशक आखिरी रोज कल जो है वो पूरा हो जाएगा और कल इख्तितामी तकरीब इसकी मुनाकिद की जाएगी। मैं आपको ये भी बताऊं कि अमन मश्क जो है वो 2 इसके फेजेस होते हैं, एक सी फेज और एक हार्बर फेज। तो इस बार जो है ये पहली बार अमन मश्क के साथ जो है इन्होंने पायमिक अमन के तहत जो है वो की गई थी। पायमिक के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा वादे बता दूं कि ये इंटरनेशनल, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस और एक्सपो थी, जिसमें जो है 50 से ज़ायद ममालिक जो है वो अमन मशकों में शरीक थे, जिसमें मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस में जो कॉन्फ्रेंस के हवाले से मौजू रखा गया था वो ब्लू इकोनॉमी के फरोग में और तरक्की पजीर ममालिक के लिए जो उसमें मौके और दरपेश चैलेंजेस हैं
उसके हवाले से जो ये मौजू रखा गया था पाइमेक कॉन्फ्रेंस में, जबकि पाइमेक के तहत जो ये कराची एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन लगाई गई थी, उसमें जो है वो मुल्की और गैर मुल्की और फर्म्स की जानिब से जो है वो तकरीबन 133 स्टॉल लगाए गए थे। इसके अलावा गैर मुल्की मंदूबीन जो है उनकी भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि हार्बर और सी फेस का मतलब ये होता है कि जो मशकें खुले समुंदर में की जाएं उनको सी फेस कहा जाता है, जबकि जो मशकें खुश्की की जाती हैं उनको हार्बर फेस कहा जाता है। ठीक है। इसके मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पाइमेक अमन के तहत मुनक़िद की गई थी, इसमें एक्सपो में जो है वो स्टॉल्स लगाए गए थे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस जो की गई थी, कॉन्फ्रेंस के तहत जो है मुहायदों पे भी दस्तखत किए गए थे, और तकरीबन 20 मुहायदों में दस्तखत किए गए थे, जिनमें जो सारे फहरिस्त है उसमें बुलान माइनिंग एंटरप्राइज और स्पीड कम्युनिकेशंस के जो है वो 40,000 मैट्रिक टन लोहे की बरामद के लिए एक मुहैदा किया गया है। इसके अलावा इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के दरमियान जो है एमओयू साइन किया गया है। इसके अलावा ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट्स और होटल के साथ जो है वो सकाफत और ब्लू इकोनॉमी और तख्लीकी मईशत को फरोग देने के हवाले से जो है वो एमओयू साइन किया गया है। जी ठीक है। उहदा ये भी बताइएगा कल के रोज अमन मश के अंदर क्या हुआ, और खास तौर पे काउंटर टेररिज्म एक्ट की जो डेमोंस्ट्रेशन हुई है उस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा नाज़रीन को। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि ये अमन मश का हार्बर फेस का एक हिस्सा था, ये तीसरे रोज मुनक़िद हुआ था। इसमें जो है वो पाक बहरिया के जवानों ने पेशावराना तरबियत का शानदार मुजाहरा किया। मैं आपको ये भी बताऊं कि तरबियती मुजाहरों में जो है सी किंग हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज फास्ट बोट समेत जो है पाक बहरिया के कमांडोज ने ऑपरेशन किया। ये मनोड़ा के साहिल पर मुनक़िद किया गया था। वहाँ पर इंसदादे दहशत गर्दी के मुजाहरे में जो है वो जो दहशत कमांड पाक बहरिया के कमांडोज ने दहशत गर्दों की जानिब से यरगमाल बने लोग जो होते हैं उनको छुड़ाने का फर्जी मुजाहरा भी किया था। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पाक बहरिया के जो पैरा ट्रूपर्स थे उन्होंने जो है 10,000 फीट की बुलंदी से तमाम शरीक ममालिक के परचमों के साथ जो है वो जंपिंग का मुजाहरा भी किया, जिसको जो बहुत ज्यादा सराहा गया। मैं आपको ये भी बताती चलूँ इस काउंटर टेररिज्म डेमो के दौरान जो है वो पाक बहरिया की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस और पाक मरीन्स जो थे ये उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया था, जबकि इसमें गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी जो है वो मेहमान खसूसी थे और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी जो है वो इसमें शरीक थे। ठीक है। हुदा ये भी बताइएगा कल के रोज क्या होने जा रहा है इन अमन मश्क में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि अमन मश्क का जो एक सी फेज का हिस्सा है वो अभी बाकी है, और वो हम देखेंगे कि कल यानी कि 14 तारीख जो कि आखिरी दिन है, यानी कि जिसको कहते हैं कि इख्तितामी रोज, क्योंकि पाइमिक कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो चुका है और जो अमन के तहत जो हार्बर फेस होता है उसका इख्तिताम हो चुका है, बस अमन के तहत होने वाली जो है वो अभी ये सी फेस का एक हिस्सा शामिल एक हिस्सा बाकी है, जो कि इसमें खुले समंदरों में इस मश्क की जाएगी। मैं आपको ये भी बताऊं कि मेहमान खुसूसी जो है वो सदर या वजीर आजम इसमें जो है शरीक होते हैं। इसके अलावा जो है वो अमीरुल बहर अमजद खान नियाजी भी जो है वो इसमें शरीक होंगे। ये मैं आपको बताऊं कि खुले समंदर में जो ये जंगी गैर मुल्की और मुल्की जंगी जहाजों की जो मश्क होती है इसमें इसमें भी जो है बहरी कजाकों के खिलाफ ऑपरेशन की जो मश्क की जाएगी, जबकि ये खुले समंदर में हैवी गन फायरिंग का भी मुजाहरा किया जाएगा और दूर मार हदफ को निशाना बनाने का जो है वो खास तौर पे मुजाहरा किया जाएगा। जबकि अमन मश्क में ये जो कल होने वाली है इसमें JF-17
P-3C और ओरियन और ATR तैयारों का जो है वो फ्लाई पास्ट का भी मुजाहरा किया जाएगा, जबकि सी किंग हेलीकॉप्टर्स और ज़ोलो हेलीकॉप्टर्स की मश्क जो है वो उसके दौरान फ्लाई पास्ट मश्क में इंडोनेशिया, अमेरिका, इटली, श्रीलंका और मलेशिया के जहाज और उनकी मिसाइल बोट्स जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उदा शेख इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। जैसे कि उदा ने बताया आपके, खुले समंदर के अंदर हैवी गन फायर का मुजाहरा भी किया गया, अमन मश्क के अंदर JF-17 थंडर की बात की जाए, P-3C की बात की जाए, फिर ATR तैयारों की बात की जाए, तो फ्लाई पास्ट करने का मुजाहरा किया गया। कल के रोज़ इख्तितामी जो रोज़ है उसमें तकरीब मुनक़िद होगी और एक्सपेक्टेड है वज़ीर आज़म या फिर सदर मुमलिकत। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, इसके बाद बात करेंगे पोल्ट्री एसोसिएशन से, जो कि एक बड़ा मसला हमने आपको प्रेडिक्ट करके बताया था दिसंबर के माह में पिछले साल कि जो LCs का इशू है इस वक्त फीड नहीं बन पा रही है, तो एक बड़ा शॉर्टेज होगा मुर्गी के हवाले से और मुर्गी की कीमतों में होशरबा इजाफा होगा। ऐसे ही कुछ इजाफा हो चुका है, बताएंगे आपको वक्फे के बाद।